अब सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जुमला पेश किया और महिलाओं के बारे में क्या-क्या कहा कि जर्सी गाय महिला होती है, तो उसकी चर्चा कभी आप लोगों ने नहीं किया। जर्सी गाय की चर्चा किया महिलाओं के बारे में, तो ये प्रधानमंत्री कौन है, क्या है, आपसे ज्यादा हम नहीं जानते। मैके जैसे ही पहुंचती थी अपने घर पर तो पहले हंसती आती थी, और जैसे ही घर पर पहुंचती है, माई हो बाबू, आए गो, आंख से आंसू नहीं निकल रहा। वही है वो एमएलसी। अगर उसको रोना था तो सदन में रोती, प्रतिकार करती। नाटक करने वाला का नाम है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी इस्तीफे पर अड़ी हुई है, कह रहा कि बिना इस्तीफे राजभवन जाके ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि वो तो मुख्यमंत्री बनाए नहीं है, बनाए हैं तो महागठबंधन के लोगों ने बनाया है। अगर कोई इस्तीफा मांगता है तो उनका मांगना काम है, लेकिन हम लोगों ने सरकार बनाई है, महागठबंधन के वो मुख्यमंत्री हैं, तो इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। सदन नहीं चलने देंगे। अरे सदन नहीं चलने देंगे तो दो दिन तीन दिन से नहीं चलने दे रहे तो क्या हो जाएगा? जनता सब देख रही है कि हम चुन कर भेजते हैं अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए, और ये विधायक अपनी राजनीति चमकाने के लिए, गद्दी पाने के लिए ये सब राजनीति कर रहे हैं। हमारी कोई समस्या नहीं सुन रही है, इसलिए जनता इनको समय पर जवाब देगी। कह रहे हैं कि देश का नाम जो है पूरे विदेशों में खराब हो रहा है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जुमला पेश किया और महिलाओं के बारे में क्या-क्या कहा कि जर्सी गाय महिला होती है, तो उसकी चर्चा कभी आप लोगों ने नहीं किया। जर्सी गाय की चर्चा किया महिलाओं के बारे में, तो ये प्रधानमंत्री कौन है, क्या है, आपसे ज्यादा हम नहीं जानते। लेकिन प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश बदनाम हुआ है इनके राज्य में। घर में कोई घटना घटती है, या पहले लोग अपने नैहर भी जाता था मैके, अब कहता है मैके, लोग पहले नैहर कहा जाता था। मैके जैसे ही पहुंचती थी अपने घर पर तो पहले हंसती आती थी, और जैसे ही घर पर पहुंचती है, माई हो बाबू, आए गो, आंख से आंसू नहीं निकल रहा। वही है वो एमएलसी। अगर उसको रोना था तो सदन में रोती, प्रतिकार करती। वही है, वही लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, नाटक करने वाले लोग हैं। नाटक करने वाला का नाम है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। आरक्षण विधेयक बिल जो है वो भी आ रहा है, क्या कहेंगे? एकदम, आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ कि बिहार देश की बागडोर को संवारने का काम करे, और दीर्घायु हो उनका, उम्र लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, और उन्हीं के जन्मदिन पर आज आरक्षण बिल पेश हो रहा है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और जब वो कहेंगे कि आइए आप बैठिए तो वो बैठेंगे। बीजेपी ये कहती है कि बीमार हो गए नीतीश जी, तो अब सवाल है, जब उनके साथ थे तो बीमार नहीं थे, मेरे साथ हैं तो बीमार हैं। अब तो जो चोर होता है तो चोर होता है, चोर जब उनके यहाँ चला जाता है तो पवित्र हो जाता है। कि कमान तेजस्वी यादव को मिल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को महागठबंधन ने बनाया है मुख्यमंत्री, जब वो चाहेंगे तभी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। अब सवाल है, मैं देख रहा हूँ शिक्षा विभाग की स्थिति और पदाधिकारियों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। कल शिक्षा विभाग का मांग ये हो रहा था, और हम देखा कि शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी नहीं हैं, ये आश्चर्य की बात है। और इस पर हम पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री को कि सदन की गरिमा और विभाग की गरिमा को ये लोग बेच रहे हैं, और इससे ज्यादा भी इस्तीफे के मुद्दे पर अड़ी हुई है। अरे तो, अरे तो क्या कर लेगा? अरे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।